रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तुम्हारी वजह से मेरे डैड सबको तुम्हारे जैसा समझते हैं। उनके साथ में रहने में भलाई है या अलग रहने में भलाई है, हम उनके रिलेशनशिप को पता करके बता सकते हैं। पर अगर मेरे एफर्ट से उनकी लाइफ में खुशियां आ जाती है तो आई वॉन्ट टू ट्राई। अपनी खुशियां किसी और में मत ढूंढो रही, उसके साथ रहो जिसके साथ तुम कंप्लीट फील करती हो। एक्चुअली आज ही मेरी एक दोस्त बनी है जिसे लगता है मैं सही हूँ, पलक। तुम अपनी जिंदगी में जो बदले लेने हैं मुझसे लो, मेरे परिवार से नहीं। She had kids with that bastard. दादी सबसे पहले कंजक पूजा मेरी होगी ना? हाँ बेटा आपकी होगी। बेटे रिश्ते इतनी आसानी से नहीं तोड़ते हैं। मैं इतना भी गलत नहीं हो सकता। अंगद सही में तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं था। अगर अंगद मेरे लिए सही लड़का नहीं होता ना डैड, तो मुझे पता चल जाता। ऑलराइट, पर आपने फिर भी अपनी मर्जी करनी थी। डैड प्लीज, मुझसे और नहीं हो रहा, मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकती हूँ। प्लीज पा, जस्ट लेट मी बी, प्लीज। सेतु भाभी टोल्ड की, पलक भाभी टोल्ड रिवादी टू चूज लव, एंड रिवादीज लव इज नॉट अमन भाई। ये सब उल्टा हो गया यार। देख, जितना पलक भाभी इस क्लूलेस अबाउट रीवा एंड अ बॉयफ्रेंड, उतने ही आप। वी वर अब्रॉड, हमें पता भी नहीं था जब उनकी शादी हुई थी। हमें तो सीधा ये बोला गया था दैट अमन एंड रीवा गेटिंग मैरिड, सो हाउ वुड वी नो अबाउट हर बॉयफ्रेंड। हमें रीवा दी और रिक्की भाई की स्टोरी डिटेल में जाननी होगी। ओके राइट। छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं, मैं जाऊंगी, तुम लोगों को हॉस्टल भेजूंगी। अभी जाओ, अभी जाओ। क्या बच्चे हैं यार ये। इस फोटो पे माला चढ़ाओगे साहिल गांधी। नाटक कर रही है। तुम दोनों जाओ। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? This was acting. I know. I'm the best. No autographs, photographs, please. Rags, you know what? अगर अब तू नहीं मानेगा तो मैं Relax. Rags, you know what? घर में दो छोटे बच्चे हैं। They can imitate this. Don't worry, mama. हम इनकी तरह इतने stupid थोड़े हैं। See. They will not imitate me. Chill. God, किस मुसीबत से तने। चलो यहाँ से। अब मैं ये वीडियो एडिट करके मिस्टर साहिल गांधी को भेजूंगी। तो डॉक्टर? नहीं, अब ज़्यादा दुख रहा है क्या? हाँ, पीछे दबाना। सॉरी, सॉरी। अब ब्रेकफास्ट? नहीं यार, प्लीज चुप कर जाए यार। एक बात पूछूँ? नहीं, प्लीज। वो मैं पूछ रहा था कि अमन भाई से पहले रीवादी की लाइफ में कोई और भी था क्या? नहीं, हम लोग तो यहाँ पर नहीं थे, तो फिर हुआ क्या था? तुझे उससे क्या लेना था ना, अपना काम करना। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। समायरा की फ्रेंड्स, वो ट्विंस, तू जानता था ना वो कौन है? नहीं। थप्पड़ मारूंगा मुंह के लिए, झूठ मत बोल मेरे साथ। और वो डांस क्लास तूने ज्वाइन कराई ना? वो मैंने इसलिए कराया था क्योंकि वो सैम की फ्रेंड उसके साथ रहती, तो मन बना रहता सैम का। तो अमन और रीवा को भी करवा दे, रिश्तेदार है ना तेरे, डैड को भी करवा दे, अच्छा लगेगा। मैं भी चलता हूँ, तू भी चल। जितनी उम्र है ना उतना ही बिहेव कर। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अच्छे से करता, रुको। That's all right. अच्छा है, you've become strong. I'm gonna take a pill. By the way.
का शौक है ना तुम्हें मिस्टर साहिल गांधी, तो आ गया तुम्हारा वो डायरेक्टर दोस्त था जिसे नए चेहरे की तलाश थी। सब झूठ कहा तुमने मुझसे। ये चेहरा कैमरा पे तो नहीं आ पाया लेकिन इस चेहरे की तस्वीर जरूर खींचे और जिसपे माला चढ़ाओगे तुम मिस्टर साहिल गांधी। क्रेजी पिता। परेशान कर दिया तुम लोगों ने यार, सीरियसली सब कौन करता है? प्रकृति तू ना इन लोगों से दूर रहकर तुम इन सबको अपने जैसे बना देगी। प्लीज अंकल जल्दी आओ, प्रकृति दीदी हेल्प अस हेल्प अस हेल्प अस। प्रकृति आपकी मम्मी कहाँ पर है? मम्मा पागल हो गई है। ओह गॉड शिट, माइंड योर लैंग्वेज। आई एम कमिंग। क्या बोले? क्या रोज रोज का ड्रामा यार तुम लोगों का, मैं तंग आ चुकी हूँ। स्कूल जाना है, ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं बना, मैं क्या करूंगी यार? प्रकृति क्या चल रहा है ना? ब्रेड है ना, ऑमलेट भी नहीं बना सकती मैं, अंडे भी नहीं है। आई फॉरगॉट पलक दिया मिस राजा बाबू। ऑफ कोर्स आई हैव टू डू इट ना, मैं ही करूंगी सब कुछ इस घर में, सब कुछ मुझे ही तो करना है। पलक दी क्या हुआ मम्मा? ओह गॉड काय लगी? पलक दी हटो, तुम तीनों हट जाओ यहां से। चलो गर्ल्स कम इन। ठीक है? थक गई हूँ यार मैं, अकेले जिंदगी से लड़ते लड़ते मैं थक गई हूँ। I'm tired. ऐसे कोई करता है क्या? मैं आ तो रहा था ना। It's too late. जो होना था वो हो गया। आप रोक नहीं पाई? मैं अकेले कहाँ ध्यान दूँ यार, तो आदत ही हो गई है। आदत? कोई मरना चाहता और आप ऐसी बातें कर रही है? मैं मर रही हूँ यहाँ पे, ब्रेड लेने जा रहा है मुझे। ब्रेड? ऐसी सिचुएशन में आपको खाने की पड़ी है? हाँ तो खाना तो खाएंगे ना, रूटीन तो नॉर्मली चलेगा ही। तुम्हें चाय कॉफी जो चाहिए वो ले लेना, मैं जा रही हूँ। बहुत बुरा सदमा लगा है शायद। Excuse me. कॉफी? आप मैं बना के लाती हूँ। हाय अंकल। हेय आजा। हेलो जिया। दिया आई एम जिया एंड आई एम दिया। डांस क्लासेस में बड़ा मजा आया। आप सब आके छोटे अंकल हो ना? छोटे मामू। आज आपके घर पे कंजक पूजा है ना, समायरा के बड़े मामू ने हमें भी बुलाया है। वाओ बड़े मामू। सो चलो लेट्स लीव, आप लोग मेरे साथ ही चलो। स्कूल कौन जाएगा? समायरा ने भी छुट्टी ली है आज। अच्छा एक काम करो, आप दोनों जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। ओ हेलो, इन बच्चों का स्कूल है, यू कैन नॉट टेक देम एंड पलक इनको मेरे भरोसे छोड़ के गई है। ड्रामा क्वीन, डॉक्टर पलक को बता देना मैं इन लोगों को घुमाने लेकर जा रहा हूँ। ओके लिसन यू कांट डू दैट, पलक विल आस्क मी क्वेश्चंस। हेलो एक्सक्यूज मी। तो ये है ऋत्विक भैया की प्यार की निशानी। हेलो हाय आई एम बुआ। आई मीन शनाया, मैं समायरा की मासी हूँ। वेलकम कम। यार ये दोनों एकदम भैया जैसे हैं। सेम नोज सेम फीचर्स। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भैया नोज दाट इनकी डॉटर्स है। आप लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना, तो यहाँ पे कर ले। नो सुपर, ब्रेकफास्ट नहीं प्रसाद। हाँ प्रसाद, ये तो बुद्ध ही है। अरे अच्छा आप दोनों जाके बैठो, मैं शाम को बुलाती हूँ। इनका घर कितना बिग है ना। हाँ और इतना क्लीन भी। हाँ क्या हुआ? कल भाई अचानक से मेरे पास आए थे और अचानक से पूछने लगे कि तू जानता है जिया दिया किसकी डॉटर से। यार एक सेकंड के लिए फट गई थी मेरी।
फिर भाई ने खुद ने इनवाइट किया इन दोनों को कंजक पूजा के लिए। आई एम टेलिंग यू रीयूनियन यही करवाएंगे। पर भाई इनसे पहले कहाँ मिले? डांस क्लासेस और शायद एक बार और। वेट यू नो रिकी भाई इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आई मीन क्या पता उन्होंने इनको यहाँ इनकी पिटाई करने के लिए बुलाया हो। यू नेवर नो विथ हिम। एनीवेज मैं सैम को बुलाती हूँ। मैंने बोला था ना राजा लोग बुढ़े ही होते हैं। वे दाढ़ी। ए बुढ़ा किसको बोला? आप कौन हो? अरे भाई कंजक पूजा समारा के दोस्त। दाढ़ी आपने ये पूजा रख के बहुत अच्छा किया। देखो ना कितनी सारी खुशियाँ हमारे घर में आ गई। खुशी नहीं दिया और जिया। अरे तारी ने तो डिसाइड कर लिया कि वो हर दिन कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करेगी। कभी समायरा की डॉल्स की शादी तो कभी उसके विनी द पू का बर्थडे पार्टी। देखो तुम लोग है ना मेरी टांग खींचना बंद कर दो नहीं तो मैं जबान खींच दूंगा। डैड अगर आप एक्सरसाइज करना बंद कर दोगे ना तो यू सून गोना बी ऑन अ व्हीलचेयर सो स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। योर डैड इज नेवर गोइंग टू बी ऑन अ व्हीलचेयर। मेरी नई फिजियोथेरेपिस्ट है ना उसने गारंटी दी है कि नेक्स्ट ईयर आई विल बी रनिंग द मैराथन। वाह कमाल की डॉक्टर है वो। इतने सारे लोग हैं आपकी फैमिली में? हाँ और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं और मेरी मॉम और ये स्टूपिड दिया। लेकिन नो सॉरी दरअसल मेरा बड़ा बेटा है ना रिकी वो अपनी छोटी बहन रीवा के बाल भी ऐसे खींचता था और मैं उस पर हमेशा शाउट करता था लेकिन नो है ना तारी याद है आपको? हाँ हाँ बेटा बहुत प्यारी है। ओ मेरी मासी है और तो मामू को जानते हैं। हाँ हाँ सब जानते हैं सब जानते हैं। आप लोग चलो तारी पूजा शुरू करें। चलो बच्चों आ जाओ। शाबाश मामू यू हैव टू डू कंजक पूजा। नहीं बेटा मेरी तबीयत खराब है। मामू देखो जिया दिया। हाय मामू मामा भी नहीं है और पापा भी। ये लाइन बहुत अच्छी पकड़ी है। All right, son. We go ahead. चलो में लग रहे रिकी भाई। उत्तर जी जिया दिया इन दोनों का रह गया।
पापा कहाँ हैं आप लोगों के? मालूम नहीं। अंकल, आपको कंचक पूजा करनी आती है? मुझे छोड़ा उस विक्रांत के लिए, और विक्रांत ने भी उसे छोड़ दिया क्या? समझाओ ना कंचक पूजा क्या होती है। मेरा लड़कियां देवी का रूप होती हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। अंकल, इस देवी को वॉशरूम आई है, क्या आप मुझे करवाने चलोगे? चलो। एक्सक्यूज मी, आप इसे वॉशरूम ले जाओ। और वॉशी? वही कराएंगे। आ जाओ बेटा। नहीं कर सकते यार, I can't be with a loser. I love him. क्या हुआ? अंकल दिया पाए? अरे तुझे पता है अंदर गोल्डन टैप और गोल्डन टॉयलेट है। क्या हुआ ऋत्विक? गोल्ड डिगर क्यों लाते हैं? गोल्डन टॉयलेट ही पसंद आएगा ना। क्या मतलब? ये लड़कियां पलक की बेटियां हैं। That fucking bitch is back. और जो गंदगी फैलाई थी ना विक्रांत के साथ, उसको लाके मेरे मुंह पे मारा है। की दो और पोतियां जुड़वा एकदम डिक्टो रखी भाई।